सरकार किसानों की फसल MSP पर सिर्फ इसलिए नहीं खरीदे कि किसानों की जेब में इससे अच्छा पैसा आएगा, बल्कि इसलिए भी खरीदे कि अकाल के समय, महामारी के समय सरकारी गोदामों में रखा हुआ वही अनाज जन कल्याण में काम आ सके। मगर इस बार गेहूं खरीद में क्या हुआ, सरकारी गोदाम खाली रह गए, तो वहीं बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने गोदाम भर लिए। अब सवाल यह उठता है कि जिस देश के करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे जीने को मजबूर हैं, जो सरकारी PDS सिस्टम से अनाज खरीद कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, उनका क्या होगा? बच्चों के मिड डे मील से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों तक भोजन की सुविधा कैसे पहुंचाई जाए? किसान कर्ज माफी को लेकर अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दे, क्योंकि सरकार ने जो वायदा किया था राष्ट्रीयकृत बैंकों की कर्ज माफी को लेकर, उसके लिए अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दे। वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। इधर CM गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार तो किसानों का कर्ज माफ करने के लिए तैयार है, लेकिन आधा हिस्सा अगर केंद्र सरकार दे तो हम निजी बैंकों के किसानों को भी राहत दे सकेंगे। इसको लेकर भी अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दे। प्लीज 1 लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।